थाना जूली इंदौर क्षेत्र में ऐसे शौकियाना चोर जो गाड़ियों को चुराते थे और पेट्रोल खत्म हो जाने पर वाहन छोड़कर भाग जाते थे, ऐसे 6 आरोपी जिसमें से 3 नाबालिग चोर हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान होने पर थाना जूली इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया और 6 वाहन भी जब्त किए हैं। थाना जूली इंदौर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। आला अधिकारियों के नेतृत्व में थाना प्रभारी के द्वारा टीम गठित कर चोरी करने वाले आरोपियों की पताशाजी शुरू कर दी गई थी। थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज में पहचान होने के बाद पुलिस ने पताशाजी शुरू कर दी थी। ऐसे 6 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि शौकियाना तौर पर गाड़ी चोरी करते थे। आरोपियों से एक चाबी मिली है जिससे गाड़ियों की चोरी किया करते थे और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद गाड़ी बीच चौराहे पर ही छोड़कर भाग जाते थे। आरोपी एक्टिवा गाड़ियों को अपना टारगेट किया करते थे। पूर्व में भी एक नाबालिग आरोपी जेल जा चुका है, जिस पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला थाना राउजी बाजार में पंजीबद्ध है। बाइट थाना जूली इंदौर में पिछले कुछ समय से लगातार एक्टिवा चोरी की घटनाएं बढ़ गई और इसी के चलते हुए एक हमारे द्वारा जो टीम बनाई गई थी और टीम ने उनको सफलता मिली है। जहां पर ये चोरी हो रही थी वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से जो हुलिया आया था वो उसी हुलिया के सूचना दी कि उस हुलिया के लोग मोती देवेला क्षेत्र में देखे गए। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की और उनके द्वारा और भी लोगों के नाम बताए गए। इस तरह पुलिस ने कल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें 3 लोग जो है बालिग है, उनके नाम है संतोष, चंदन और विजय और 3 नाबालिग है। और इस तरह इन 6 लोगों से 6 हमें एक्टिवा मिली है, 2 एक्टिवा और मिली है जो इनके द्वारा बताया गया चोरी की गई थी, लेकिन वो इन्होंने चोरी करने के बाद में एक पेट्रोल खत्म हो गया तो वो छोड़ दी थी और बाद में फिर फरियादियों को मिल गई थी। अपराध इसमें भी कायम है। इस तरह पुलिस को 8 जो मामले थे उसका खुलासा करने में सफलता थी। सर क्या था उनका, क्या उद्देश्य? एक्टिवा ही चुराते थे या अन्य गैंग? ये एक अलग तरह के गैंग है जो सिर्फ एक्टिवा पर ही चुराने में महारत उनको हासिल है। ये इनके पास एक चाबी भी मिली है जो और मतलब वहाँ पे पहुँचते थे ये और एक आदमी देखता रहता था कि कोई आ तो नहीं रहा और दूसरा उस चाबी से वो एक्टिवा का ताला खोल लिया। सर क्या उद्देश्य था इनका चोरी का, एक्टिवा क्यों, क्या एक्टिव? देखो अभी जो आया है इसकी इन्होंने ये कोई भी गाड़ी है बेची नहीं थी, इन्होंने गाड़ियाँ अलग अलग जगह पर खड़ी कर दी थी तो इनका मुख्य उद्देश्य तो मुझे तो पैसे का ही लग रहा है, लेकिन इनसे भी पूछताछ अभी और भी करना है। और इनकी बुरी आदतें भी थी, इसमें एक नाबालिग है उसकी शोहरत पूर्व में भी बंद किया जा चुका है। वो उसने एक छोटे बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया था, थाना राउजी बाजार में केस है और आपराधिक पृष्ठभूमि तो है इनकी और इससे और भी पूछताछ की। सर कोई रिकॉर्ड सामने है, कुछ रिकॉर्ड सामने आए सर आरोपियों के? रिकॉर्ड मैंने बताया ना कि रिकॉर्ड जो 3 बालिग लोग हैं उनके रिकॉर्ड तो है ही और जो छोटे बच्चे हैं तीनों उनमें से एक का रिकॉर्ड है दो के लिए। सर ये नशे के जो बालिग हैं ये पेशे से क्या है, मतलब हाँ चोरी? ये सब लोग जो है ये बहुत छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाला है। जैसे मैंने नाबालिग बताया, तीनों नाबालिग जो है वो किसी गैरेज में मोटर वेंडिंग का काम करते हैं या गैरेज में गाड़ी सुधारने का काम करते हैं, इस तरह का काम। कैनन न्यूज के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।